हाय गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सा वेडिंग लुक फॉर बिगिनर्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपने फेस को हाइड्रेटेड करने के लिए मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का मलबड़ी का टोनर यूज़ कर लिया हूँ, एंड उसके बाद गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल सीरम यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी फेस बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहे। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कोई भी ड्राइनेस फील ना हो, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं सिलिकॉन बेस्ड स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड वेडिंग में लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन बेस इसीलिए प्राइमर यूज़ किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेबलिन का 228 फाउंडेशन है, मेरा शेड नंबर है 228। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया है हैंड पे, उसके ऊपर मैंने फाउंडेशन लिया है, एंड अभी मैं इसको फेस पर अप्लाई करने के बाद अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अपने पूरे फेस पर डैब डैब करके फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी, एंड या वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ताकि आपकी फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सके। यहाँ पर मैं आईब्रो ड्रॉज करूँगी, एंड आईब्रो बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो पहले तो आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर लो जहाँ पर आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत है, एंड फिर सामने की तरफ थोड़ा करके यूज़ कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं NY का एक कंसीलर यूज़ करूँगी, एंड कंसीलर आईब्रो क्लीन अप करने के लिए यहाँ पर, एंड आईलिड्स के ऊपर मैं फ्लैट ब्रश के हेल्प से अप्लाई करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं ये वाला आई शेडो पैलेट लेकर ये दोनों कलर को अभी मैं आईलिड के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। तो पहले तो मैंने एक ऑरेंज कलर लेकर अपने बेस के ऊपर मैंने अप्लाई कर किया है, एंड उसके पहले मैंने एक बेस कलर अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं एक पर्पल कलर लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, एंड इस थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसके बाद एक फ्लैट ब्रश में कंसीलर लेकर यहाँ पर मैं हाफ कट क्रीज अभी आई मेकअप कर रही हूँ, एंड ये वाला हाफ कट क्रीज बहुत आसानी से हो सकता है, आप देख सकते हो। एंड अभी थोड़ा मैं इनर कॉर्नर पर वो वाला पर्पल ये कलर यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके बाद के इस पैलेट से मैं ये वाला शिमरी शेड लेकर अपनी हाफ कट क्रीज पे यूज़ करूँगी अच्छी तरीके से। एंड हो जाने के बाद अभी मैं अंडर ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी, एंड ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर मैं NY बे के वही वाला कंसीलर लेकर अपनी मैं अभी आँखों के नीचे एंड चीक बोन्स पर हाईलाइट करके लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद कंसीलर से हाईलाइट हो जाने के बाद एक ब्रश लेकर एक ब्लेंडर लेकर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी, एंड यहाँ पर मैंने साथ ही साथ कंटूर भी अप्लाई कर लिया है। कंटूर अप्लाई हो जाने के बाद अच्छी तरीके से देन मैं यहाँ पर ब्लेंडर यूज़ करूँगी। इससे क्या होता है कि आपके फेस की शेप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ सकती है। एंड नोज़ कंटूर के लिए यहाँ पर मैं एक फ्लैट ब्रश लेकर अभी मैं नोज़ को कंटूर कर रही हूँ, एंड नोज़ कंटूर हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अभी कंटूर को अच्छी तरीके से डैब डैब मोशन में एक ब्लेंड आउट कर लूँगी, क्योंकि ये क्रीम कंटूर है इसीलिए मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। एंड उसी ब्लेंडर से अभी मैं थोड़ा सा कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से पूरे फेस पे, एंड आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से एक शेप आ रही है फेस पे। एंड ये सब हो जाने के बाद पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अभी जहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पर मैं अभी सेटअप करने के लिए वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद अभी मैं अपनी वाटर लाइन पे एक बेस कलर लेकर इसे अप्लाई कर रही हूँ, एंड उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर लेकर भी यूज़ करूँगी, एंड देन यहाँ पर मैं NY बे का एक ब्लैक काजल लेकर अपने वाटर लाइन पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँ ंगी। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा थिकली अप्लाई करूँगी, इसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसे स्मच आउट कर लूँगी, एंड इसके बाद शुगर के पैलेट से मैंने हाइलाइटर लेकर अपने फेस को अच्छी तरीके से हाइलाइट कर लिया है। एंड अभी मैं नोज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी ऊपर की तरफ, एंड नोज़ के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करने के बाद यहाँ पर मैं स्टेक वर्की का ये वाला पिंक शेड अभी यूज़ कर रही हूँ, एंड आई थिंक ये वाला लुक के साथ ये वाला पिंक कलर बहुत अच्छे से शूट करेगी। एंड इसके बाद अभी मैं आँखों पे अच्छी तरीके से मस्कारा यूज़ कर लूँगी, एंड आज मैं आँखों पे कोई भी फॉल्स लैशेस नहीं लगा रही हूँ। तो या मस्कारा यूज़ हो जाने के बाद मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा इयररिंग्स पहना हुआ है, एंड एक स्टोन का टिप मैंने बिंदी यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, एंड या दिस इज़ माय फाइनल लुक फॉर अ सिंपल वेडिंग मेकअप लुक। या अगर आपकी सिस्टर की शादी हो या भाई की या फ्रेंड्स की शादी हो तो ये वाला लुक आप कैरी कर सकते हो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बिसाइड माई सब्सक्राइब बटन। तो चलिए फिर से आप लोगों के साथ दिखाई होगी नई वीडियो के साथ। स्टिल देन टेक, I love you. Bye.